टेंथ क्लास में पढ़ता हूँ मैं। हाँ। और ट्यूशन वगैरह के लिए पैसे चाहिए मुझको, और फीस फीस जमा करनी है, उसके लिए पपीता बेच रहा हूँ मैं इसको। अच्छा। तो सबको भाइयों को राम राम मेरा, और आप देख सकते हो और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पास में छोटू खड़ा है। छोटू बेचारा अपनी साइकिल पे है छोटू, और ये मैं अभी यहाँ से जा रहा था, मैंने इससे बच्चे से पूछा, मैंने बेटा पपीता दे दे, तो इसने मेरे से बोला कि भैया पपीता ले लो, 30 रुपए 30 रुपए किलो चल रहे हैं भैया पपीता। मैंने क्लास में पढ़ता हूँ मैं। हाँ। और ट्यूशन वगैरह के लिए पैसे चाहिए मुझको, और फीस फीस जमा करनी है, उसके लिए पपीता बेच रहा हूँ मैं इसको। अच्छा बेटा, बेटा घर में कैसी परिस्थिति है बेटा आपके? घर में कुछ ऐसी परिस्थिति है। बेटा पापा क्या करते हैं आपके? काम करते हैं, मेहनत मजदूरी से। अच्छा अच्छा, पापा बेटा मेहनत मजदूरी करते हैं। कितने भाई हो बेटा आप? चार भाई हैं, दो छोटे छोटे हैं, हम बड़े बड़े हैं। अच्छा बेटा, आप बेटा 9th क्लास में पढ़ते हो। बेटा आपका पपीता बेचने का बेटा ये मजबूरी है कि आप पढ़ाई वगैरह के लिए कुछ पैसे अपना कुछ कमा के बेटा पढ़ाई के लिए पैसे, ट्यूशन वगैरह के पैसे देना चाहते हो, स्कूल वगैरह में पैसे देना चाहते हो? हाँ जी हाँ। तो बेटा बहुत अच्छे, बेटा तुम जैसे बेटा बहुत बच्चे कम मिलते हैं जो मेहनत करते हैं बेटा, पूरा टाइम पपीता बेचते हो, कुछ पढ़ते भी हो बेटा, पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेते हो? पढ़ लेते हैं। कितना टाइम बेटा? 4 बजे तक तो पपीता बेचना, उसके बाद पढ़ाई करनी। सुबह से कितने बजे से पपीता बेचते हो? सुबह मंडी जाते हैं, मंडी से फिर पपीता भर के लाते हैं, 8 बजे तक पपीता भर। अच्छा, मंडी जाते हो, मंडी से पपीता भर के लाते हो, और फिर उसके बाद पपीता बेचते हो बेटा? हाँ। तो बेटा फिर बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। चल बेटा मुझे 1 किलो पपीता दे दे तू। हाँ, 1 किलो पपीता था। अच्छा आप देख सकते हो यार भाई हो यहाँ पे, तो मैंने भाई से बोला, मैंने भाई तू मुझे 1 किलो पपीता दे दे, तो अभी छोटू तुम्हारे सामने ही पपीता तोल रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई को, देखो यार छोटा सा भाई है और पपीते निकाल रहा है, अभी चाकू से काटेगा आपके सामने और 1 किलो पपीते तोलेगा। यार मैंने कुछ ले ही लूँ यार, मैं जा रहा था यार, मेरा बच्चा मुझे दिखा, मेरा छोटा भाई है यार, ठीक है तोल बेटा 1 किलो तोल। बेटा कितने पपीते होंगे इसमें बेटा? पूरे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। अच्छा 4-5 पपीते होंगे बेटा। कितने लाते हो बेटा सुबह भर के? 20-22 किलो। अच्छा बेटा इसमें क्या लेते हो, इन जो कट्टे रखे हैं आपके यहाँ पे? इसमें कबाड़ा बबाड़ा आ गया। अच्छा इसमें कबाड़ा बबाड़ा लेते हो, है ना? कबाड़ा वबाड़ा ले लेते हो, उससे पपीते दे देते हो, जैसे किसी लोहा वगैरह दे दिया आपने। देखो यार आप देख सकते हो भाई, और फिर भाई 1 किलो पपीता हमारा तोल रहा है। छोटू बहुत बहुत धन्यवाद यार, देखो छोटू यार, और काट फिर थोड़ा कम पड़ गया है, तो फिर ठीक है यार। फाइनली मित्रों धन्यवाद, मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों की मदद करने का हमारा हाथ बढ़े, और हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्ड हो, जिससे कुछ जो ऐसे बच्चे हैं बेचारे जो पढ़ाई वगैरह के लिए पैसे कमाते हैं, उनका कुछ पढ़ाई में थोड़ा सा मदद हो पाए, कुछ ऐसी हम योजना बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हम स्टार्ट करें। तो ठीक है फिर मित्रों, फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद, छोटू ने हमें 1 किलो पपीता भी तोल दिया। ठीक है फिर, नमस्कार।